पूरे बिहार में जिस तरह से पान समाज में उबाल है, एक आक्रोश है कि भारत सरकार ने अब तक पार्लियामेंट में क्यों नहीं इसको पास किया, उसको देखते हुए हमें यह लगता है कि केंद्र में जो भी सरकार है या बिहार की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उनके कानों तक ये आवाज जरूर जाएगी कि इनकी आवाज सही है, ये सही में पान है। जैसी इनकी मिशनरीज का भी रिपोर्ट है, उसकी अति पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, ये एक सरकार की मिशनरी। 1952 से या उससे पहले से हम लोग पान हैं और अभी भी पान हैं। अन्य जातियों के जैसे दुसाद है उनको पासवान कहा जाता है, रजक है उसको धोबी कहा जाता है, उसी तरह हम लोग तांती है, हम लोग पान कहे जाते हैं। मूल जाति मेरा पान है, ऐसे हमको वंचित नहीं करते। मूल जाति आप पान पान है, लेकिन अभी तत्काल में मानने से इनकार कर, मान गए, क्या लगता है पुनः फिर पान आपको मानेंगे? हाँ, नहीं मानेंगे तो उनका विरोध करेंगे, हम तो बिहार सरकार से गुहार लगाएंगे। किनके पास जाएंगे? हम अपने मुखिया के पास जाएंगे। अच्छा। मुखिया से रिक्वेस्ट करेंगे, मुखिया से मांगेंगे, मुखिया क्या राय देती है। मुखिया अगर राय देती है कि नहीं हो जाना है हो जाएगा, तो हम लोग समूचा एक मत होकर उनके साथ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें कतई ऐसा नहीं कहा गया है कि बिहार में जो आरक्षण मिला है तांती टाइटल वाले को, पान का दर्जा मिला है, वो पान नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। बस एक प्रक्रियात्मक उनका एक सोच था कि प्रक्रिया गलत है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी है तो सरकार इस पर पहल करे, बिहार सरकार, और पहल नहीं करे तो, अगर पहल नहीं करेगा तो हम लोग एक रणनीति बनाएंगे और इसका हम विरोध करेंगे। और हम लोग को तांती बना करके, जबकि तांती कोई जात नहीं है, तांती सिर्फ उपनाम है, हम लोगों का पूर्वज तांत का काम किया और राजमिस्त्री का काम किया, तो तांती एक उपनाम रख दिया गया। अच्छा। और ऑलरेडी हम लोग, नमस्कार, मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में जाति को लेकर के बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। 2015 को सरकार ने तांती ततबा को पान माना बिहार सरकार, और सुप्रीम कोर्ट ने पान मानने से इनकार कर दिया और तांती ततबा को पुनः ईवीसी में, यानी अत्यंत पिछड़ा जाति में डालने को कहा, और सरकार, राज्य सरकार ने फिर अनुसूचित जाति से अत्यंत पिछड़ा जाति में डाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि 9 साल अनुसूचित रहने के बाद अब फिर से पुनः अत्यंत पिछड़ा में जब सरकार डाल दिया, तो पान जाति यानी ताती तत्वा जाति के लोग अब बैठक कर रहे हैं और जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं। यहां पर जम्मू ज़िले के प्रसिद्ध डॉक्टर आरसी प्रसाद जी ने भी आज बैठक रखे, और बैठक में क्या चर्चा हुआ और आगे की रणनीति क्या होगी, ये सब विशेष बातें जानेंगे इनसे। आप जो बैठक रखे हैं ताती ततबा को पान जाति से, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर दिया, अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा, ये बैठक का क्या उद्देश्य था? पहले तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि ताती ततबा को पान मानने से सुप्रीम कोर्ट इनकार किया, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट कहना है कि जितने भी रिपोर्ट हैं पहले के, एसएससी जिले का, अति पिछड़ा वर्ग आयोग का, पिछड़ा वर्ग आयोग का, बैकवर्ड कमीशन, नेशनल बैकवर्ड कमीशन का, सब ने माना है कि तांती कोई जात नहीं है, जात पान है, ये टाइटल है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार किया है। लेकिन उनका एक ही बात पे विरोध था सुप्रीम कोर्ट का कि जब एक बार लिस्टेड हो गया पान अलग तांती अलग, तो दोनों का एक साथ करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अच्छा। ये केंद्र सरकार को करना चाहिए, ना कि बिहार सरकार को। तो ये भ्रांति लोगों के बीच में है कि केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने तांती तत्वा को पान मानने से इनकार किया है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। तो अब हम लोगों का प्रयास ये है
कि जब खुद सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मान रहा है, सरकार की सारी एजेंसियां मान रही है कि तांती कोई जात नहीं है, ये एक टाइटल है, जाति पान है, तो फिर सरकार पार्लियामेंट में क्यों इसको पास न करे। तो हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार को ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिहार सरकार से कई बार आपको रिकमेंडेशन किया गया कि आप पार्लियामेंट के थ्रू इसको पास कीजिए, अब आप उसको पास कीजिए। तो क्या लगता है कि पार्लियामेंट आपका आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में है कोई? पार्लियामेंट संसद जाते हैं और संसद को जनता चुनती है। अगर जो संसद हैं अभी जिनकी सरकार है अगर वो इस बात को नहीं करते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। अच्छा, विरोध करेंगे। हाँ, अगर नहीं करते हैं तो, अगर हमारे जायज अधिकार को नहीं मानते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। हम चलिए, तो क्या लगता है कि दो आने वाला 2025 का जो चुनाव है, पान यानी ताती तत्वा फिर से पान का अधिकार मिलेगा और कुछ MLA का सीट मिलेगा? पूरे बिहार में जिस तरह से पान समाज में उबाल है, एक आक्रोश है कि भारत सरकार ने अब तक पार्लियामेंट में क्यों नहीं इसको पास किया, उसको देखते हुए हमें यह लगता है कि केंद्र में जो भी सरकार है या बिहार की जो सरकार है, NDA की सरकार, उनके कानों तक ये आवाज जरूर जाएगी कि इनकी आवाज सही है, ये सही में पान है। जैसी इनकी मिशनरीज का भी रिपोर्ट है, उसकी अति पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, ये एक सरकार की मिशनरीज है, मेरी ये पान समाज की मिशनरी नहीं है। और सबों ने कहा कि नहीं, पान ही जाती है, ताती सिर्फ टाइटल है। तो जब आपकी मिशनरी कह रही है तो आप उसको क्यों नहीं दीजिएगा? मैं और बात करने के लिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरी शंकर है। क्या कहेंगे सर इस पर? इस पर कहना यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें कतई ऐसा नहीं कहा गया है कि बिहार में जो आरक्षण मिला है तांती टाइटल वाले को, पान का दर्जा मिला है, वो पान नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। बस एक प्रक्रियात्मक उनका एक सोच था कि प्रक्रिया गलत है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी है तो सरकार इस पर पहल करे, बिहार सरकार, और पहल नहीं करे तो, अगर पहल नहीं करेगा तो हम लोग एक रणनीति बनाएंगे और इसका हम विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। आपका क्या नाम है सर? श्याम सुंदर। आप लोग बैठक किए हैं, क्या उद्देश्य बैठक? हम लोग का उद्देश्य यही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश पारित हुआ है उसको विभिन्न प्रकार से मोड़ मचोड़ करके उसको मीडिया में दे रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई निर्णय नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट अगर निर्णय देता तो जो 15 के बाद बहाली हुई थी वह भी रद्द हो जाता। अच्छा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। और हमारा कहना है कि हम लोग शुरू से ही 1952 से या उससे पहले से हम लोग पान हैं और अभी भी पान हैं। अन्य जातियों के जैसे दुसाद है उनको पासवान कहा जाता है, रजक है उसको धोबी कहा जाता है, उसी तरह हम लोग तांती है, हम लोग पान कहे जाते हैं। मूल जाति मेरा पान है, ऐसे हमको वंचित नहीं करते। मूल जाति आप पान, पान है, लेकिन अभी तत्काल में मानने से इनकार कर, मान गए। क्या लगता है पुनः फिर पान आपको मानेंगे? हाँ, नहीं मानेंगे तो उनका विरोध करेंगे। हम तो बिहार सरकार से गुहार लगाएंगे, किनके पास जाएंगे? हम अपने मुखिया के पास जाएंगे। अच्छा। मुखिया से रिक्वेस्ट करेंगे, मुखिया से मांगेंगे, मुखिया क्या राय देती है। मुखिया अगर राय देती है कि नहीं हो जाना है, हो जाएगा, तो हम लोग समूचा एक मत होकर उनके साथ हैं, अन्यथा हम लोग विरोध करेंगे। पान समाज का आप पूर्व मुखिया भी रहे, लेकिन वर्तमान में जो मुखिया है उसके साथ क्या होगा जब आपको अब SC से हटा दिया है? तो अभी तक तो सरकार चुप है, चुप है। अभी तक तो प्रतिनिधि के संबंध में कोई तरह का गजट नहीं निकाल रहे हैं, और आगे क्या होगा ये सरकार का मंशा। क्यों आप लोग को हटाया गया, इससे कितना मतलब नुकसान है आप लोग? हम लोग आजादी के पहले से पान जाति है, अब पान जाति एकदम गरीब जाति है, जो कि
एससीसी में जो कि हरिजन में रिजर्वेशन था और हम लोग को तांती बना करके, जबकि तांती कोई जात नहीं है, तांती सिर्फ उपनाम है, हम लोगों का पूर्वज तांत का काम किया और राजमिस्त्री का काम किया, तो तांती एक उपनाम रख दिया गया। अच्छा। और ऑलरेडी हम लोग पान जाती हैं। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, यहाँ के तमाम पदाधिकारी नेता लोग कह रहे हैं कि मैं ही पान हूँ और मैं ताती ततवा एक टाइटल है, जिस प्रकार से अन्य जातियों में अलग अलग जात के लोग अलग अलग टाइटल्स लगाते हैं, उसी प्रकार पान जाति के लोग ताती ततवा टाइटल्स लगाते थे और कुछ भ्रांतियों के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया है, लेकिन हम लोग एकजुट होकर के पूरे बिहार में जन आंदोलन करेंगे यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी। और फिलहाल इनका कहना है कि सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम लोग को पार्लियामेंट में पुनः फिर से पारित करके पान जाति माना जाए, ये तमाम बातें कह रहे थे।